What's up everybody, namaste, adab, sat sri akal, hope you guys all are fine. This is Pritham and welcome back to my YouTube channel, Peer Dream Writer. तो गाइज आज हम लोग को कवर करना होगा लगभग 599 के आसपास. तो आज अभी टाइम जो हो रहा है, अभी का टाइम हो रहा है 8:03. तो अभी हम लोग निकलने वाले, तो देखते हैं कितना रास्ता कवर कर सकते हैं. अगर हो गया तो पूरा अगरतला तक खींच देंगे. तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड, चलते हैं, अब निकलते हैं. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो रोंगिया से, और यहाँ से गुवाहाटी अराउंड 55 किलोमीटर है. मैं कल गलत कह रहा था कि 45 है, तो 55 किलोमीटर से यहाँ से गुवाहाटी, तो एक घंटा लगेगा. और वहाँ से हम लोग शिलोंग का रास्ता, ठीक है, तो शिलोंग का रास्ता पकड़ के हम लोग जाएंगे सीधा अगरतला तक. तो ठीक है, आज का हमारा पहला टोल प्लाजा. तो गाइस ये जो ब्रिज है, ये सराइघाट ब्रिज है, ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर है. और इस ब्रिज का खास बात ये है कि हम लोग जा रहे हैं ऊपर से, और हमारे नीचे से एक मतलब ट्रेन है, जो ट्रेन का पटरी है वो है, मतलब ऊपर से बस जाएगा और नीचे से ट्रेन जाएगा. ये है नॉर्थ ईस्ट का मतलब लाइफ लाइन कह सकते हैं एक तरीके से. तो ठीक है, जो है गुवाहाटी पे, तो हम लोग गुवाहाटी पे एंटर कर चुके हैं. और ये जो रास्ता है, अगर आप इसे पकड़ के जाते हैं तो आप सिटी की ओर जा सकते हैं, और ये जो रास्ता है सीधा ये शिलोंग तक जाएगा. तो हमें तो सीधा जाना है, तो चलते हैं. और शिलोंग यहाँ से 105 किलोमीटर. तो ठीक है, चलते हैं. तो गाइस अभी हम लोग गुवाहाटी सिटी में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है. और यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद ही शिलोंग का जो मतलब पहाड़ी हिल एरिया है तो वो स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ से निकलते, उसके बाद चलते. तो गाइस अभी यहाँ से जो है पहाड़ स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं. मतलब कैमरा शायद उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन ये बहुत मतलब ज़्यादा चढ़ाई है. तो चलते, अभी मज़ा शुरू हुआ है, तो स्टे ट्यून्ड. ये जो रास्ता है, अगर आप इधर जाते हैं तो ये तेजपुर, और अगर आप इधर जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का अदर स्टेट यहाँ पे है. तो हम इस रोड से सीधा जाएंगे, तो हम शिलोंग मणिपुर होके सीधा त्रिपुरा चले जाएंगे. तो ठीक है, चलते अब. तो गाइज अभी हम लोग जो मेघालय पे है, मेघालय पे हम लोग घुस चुके हैं. मतलब हम वेस्ट बंगाल छोड़ के आसाम, आसाम छोड़ के अब हम लोग मेघालय पे आ चुके हैं. और ठीक है, अब चलते. छोटा सा ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे रुके हैं, मतलब ऐसे पानी पुनी पीने के लिए. तो अभी यहाँ से शिलोंग है लगभग यहाँ पे एक माइलस्टोन है, तो यहाँ पे लिखा है 70 किलोमीटर के आसपास यहाँ से शिलोंग है. तो चलते हैं अभी, और अभी एक बार व्यू चेक करें आप लोग, एकदम मतलब ऑसम वाला व्यू हो रखा है यहाँ पे. तो ठीक है, अभी भी बहुत लंबा सफर बाकी है, तो चलते बिना देरी किए. हमारा आज का सेकंड टोल प्लाजा, तो ये है मेघालय का जो टोल प्लाजा है वो, तो हमारा पहाड़ पे पहला.
और पूरे ट्रिप का शायद ये 6 नंबर होगा और आज का 2 नंबर। तो गाइस अभी हम लोग है नोंगपोंग पे, तो अगर आप लोगों का डबल वैक्सीन है तो ठीक है, सिंगल वैक्सीन है तो भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे चेकिंग होगा आपका, मतलब कोविड टेस्ट वगैरह होगा। तो हम मेरा तो फर्स्ट डोज है तो ठीक है, फर्स्ट डोज अगर हो गया तब भी छोड़ देंगे। तो अभी इधर से शिलोंग अभी भी 50 किलोमीटर अराउंड है, तो चलते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. हम लोग है सुमेर पे और यहाँ से लगभग लगभग 20 किलोमीटर के बाद शिलोंग आएगा। तो अभी यहाँ पे जस्ट ऐसे ही रुके थे, मतलब मम्मी को एक पौधा दिख गया था फूल वाला, तो वो लेने के लिए रुके थे। तो पता चला कि वो उसे नहीं ले सकती, इतना बड़ा पेड़ है, वो उसे पूरा जड़ से निकालना पड़ेगा लेने के लिए। तो अभी नेक्स्ट ब्रेक सीधा लेंगे हम लोग शिलोंग पे जाके, तो ठीक है अभी चलते। और जो व्यू है वो एकदम एक नंबर है, लेकिन शायद कैमरा उतना एनालाइज नहीं कर पा रहा होगा, तो सॉरी। अगर आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग खुद आके जो व्यू देखेंगे और ये मेरे इस ब्लॉग पे जो देखेंगे, आप लोग कहेंगे कि मैंने प्रॉपर नहीं दिखाया, लेकिन मैंने पूरा अपना जो 100% है वो दिया है, लेकिन ये कैमरे से उतना ज़्यादा अच्छा एनालाइज नहीं हो पा रहा है वो व्यू को। तो ठीक है अभी इधर है शिलोंग, तो चलते लेट्स गो। अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुके थे और एक बार जहाँ पर रुके इसका व्यू चेक कीजिए। ये है उमियान लेक, मतलब मैं जब पहली बार देखा तो मैंने तो नदी सोचा था, लेकिन मैंने फिर देखा जब तो देखा कि ये एक लेक है। और इधर है शिलोंग, और शिलोंग इस तरफ है, और हम हैं इधर है गुवाहाटी, और इधर अगर जाएँ तो आगरतला, और ये है बाईपास रोड। तो हमें लेना है ये वाला रास्ता, तो और ये वाला रास्ता जस्ट मैं ये दिखाने के लिए ही रुका था यहाँ पे। और अभी चलते उधर, क्योंकि अभी भी लगभग 475 किलोमीटर के आसपास अभी भी बचा हुआ है। तो आज अगर कंप्लीट ना कर सके तो कल सुबह उठ के कर लेंगे, लेकिन टारगेट है कि आज ही कंप्लीट कर लेते। तो ठीक है चलते। यहाँ पे हमारा आज का 3rd टोल प्लाजा। तो अभी हम लोग है शिलोंग से निकल चुके हैं अभी, तो अभी चलते।
लगभग 2 घंटे के बाद हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है। तो ये हम अभी हम लोग कुछ ऐसी जगह पे है, मतलब पता नहीं कौन सा जगह है, और हम लोग एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ मतलब जल्दी नहीं है। और अभी भी हम यहाँ से अगरतला जो है, अगरतला अभी भी यहाँ से लगभग 402 किलोमीटर के आसपास होगा। और अभी अभी जो टाइम है, अभी का टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं अभी दोपहर के। तो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। और भूख भी बहुत लगा है क्योंकि सुबह खा के निकले थे, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाए हम लोग। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ना चालू हो गया है, तो मतलब हवा पे एक ठंडी है। तो ठीक है, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 3rd टोल प्लाजा, और यहाँ पे भीड़ देख के लगता है कि 5-15 मिनट तो जाएगा, 10-15 मिनट यहाँ पर निकल जाएगा। तो ठीक है, आगे मिलता हूँ मैं आप लोगों से। तो गाइस अभी जो शाम हो चुका है, अभी हो रहा है टाइम शाम के 4:30, और इधर तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, लगभग लगभग 5:30 के आसपास अंधेरा हो जाता है। और तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा है कि आज हम लोग बहादुरपुर पे स्टे करने वाले हैं, और बहादुरपुर से अगरतला लगभग लगभग 150 या 200 किलोमीटर के आसपास होगा, जो वो कल हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन है बहादुरपुर, तो चलते हैं वहाँ पे। और ठंड भी बहुत पड़ चुका है, और गाड़ी के अंदर से निकलना मतलब बहुत ठंड हो चुका है। तो ठीक है, तो आज का हमारा ये 4th टोल प्लाजा, ये है टोंग। एक चीज, हमारे इस ट्रिप का पहला जो टनल आ चुका है, मुझे उम्मीद नहीं था कि टनल आएगा। तो ठीक है, चलते हैं बंदर। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted. अभी यहाँ पे लग चुका है बहुत भयंकर वाला जाम। हम लगभग लगभग 15 मिनट से यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो पता नहीं है कब खुलेगा। तो जो टाइम है वो हो रहा है रात के लगभग लगभग 7:21, और रास्ता का हालत मतलब पूछो ही मत, इतना ज़्यादा ख़राब है कि पूरा मज़ा ख़राब हो गया। जो मतलब जितना भी मज़ा था, रास्ता एकदम अच्छा खासा था, वो एकदम मतलब क्या बताऊँ, दिमाग का दही हो जाता है एकदम, इतना ख़राब रास्ता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जाने वाले, अभी भी लगभग गूगल मैप के हिसाब से अभी भी 45 किलोमीटर अराउंड है, लगभग 1 घंटा लगेगा अभी भी। तो बाबा कह रहे थे हम लोग तो धीरे धीरे जाएंगे, तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग वहाँ तक। तो ठीक है, अभी चलते, और लगभग 9 बजे तक हम शायद पहुंच जाना चाहिए अगर ठीक ठाक हुआ तो। ठीक है।
उदयपुर तक पहुंच चुके हैं। बीच में थोड़ा सा हिस्सा बहुत खराब था, लेकिन वहां पे भी काम चल रहा है। लगभग अगर आप लोग एक या दो साल बाद आ रहे हो तो उम्मीद करता हूँ कि वो रास्ता तब तक ठीक हो जाना चाहिए। और गाइस, यहाँ से अगरतला है लगभग 300 या फिर 350 किलोमीटर के आसपास, जो कल सुबह हम लोग कवर कर लेंगे। तो अभी बहुत तेज भूख लगा है, अभी पहले मैं फ्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगा के सो जाऊंगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो पता है क्या करना है, लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ज्यादा पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो गाइस, दिस इज ऑल फॉर द ब्लॉग्स, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग आउट, बी योर ड्रीम राइडर, बाय गाइस।